ओके बेटा आदित्य। हाँ तो नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे बेटा हम लोग। नॉमेनक्लेचर मतलब हमने कहा था टू प्रोवाइड अ नेम। ओके तो एक ऐसी पूरी प्रोसेस जिससे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करेंगे। अब नेम ऑलरेडी तो ऑर्गेनिज्म को मतलब फिर हम कौन सा नेम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम। ओके तो जैसे ह्यूमन बीइंग को होमोसेपियंस, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ट्राइवियल या लोकल नेम्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे हम इंडिया से अगर कहीं पर अफ्रीका में गए, तो हो सकता है हम इंडिया में उस चीज को कुछ और बोल रहे हैं। ओके और जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पर इंडिया में मैंगो बोल रहे हैं, तो पता चला अफ्रीका में उस मैंगो को हल्लुलुलु चिल्लुलुलु कुछ बोल रहे हो, तो हमें अगर वो नाम देंगे तो हमें उसका कोई समझ में नहीं आएगा उसको क्या बोला जा रहा है। लेकिन जब मैंगिफेरा इंडिका ऐसा हम बायोलॉजिकल नेम देते हैं, तो जब कोई एक बुक में लिखा रहेगा मैंगिफेरा इंडिका, तो उसका मतलब वहां पर मैंगो से रिलेटेड होगा वहां पर। ओके तो बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम ताकि हम उसको यूज कर सके हर जगह पर, कंफ्यूजिंग ना हो अलग अलग लैंग्वेज में वहां पर। इसके लिए तो ऐसे नेम जब भी कोई प्रोवाइड करता है तो उसके लिए पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो परमिशन देती है इस नेमिंग को, हम अपने आप नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो नेमिंग प्रोवाइड करती है? तो अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम रखना है, बायोलॉजिकल नेम, तो आपको पहले इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास में भेजना पड़ेगा उसको। जब ये उसको एक्सेप्ट करेंगे और नेमिंग के लिए वहां पर अप्रूव कर सकते हैं। ओके तो पहले तो एक जिसका नाम रखा गया आप उसको दोबारा नाम नहीं रख सकते, बायोलॉजिकल नेम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो नया ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तो पहला यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा ICZN। ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके इट मीन्स इसमें जू मतलब एनिमल्स, जू का मतलब होता है एनिमल्स, देयरफॉर यहाँ पर एनिमल्स का नेमिंग अगर करना है किसी को, तो यहाँ पर एनिमल ग्रुप के अगर कोई मेंबर है तो किसी ने नया एनिमल देखा या नया एनिमल डिस्कवर किया है जो आज तक नहीं है, उसका बायोलॉजिकल नेम समझ लो, तो फिर उसका नेमिंग के लिए ICZN के पास में वो वहां पर भेजना पड़ेगा। फिर ICBN सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये किसके लिए होगा बेटा? लैंड्स वेरी गुड। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है बॉटनिकल, इसमें बॉटनी, बॉटनी मतलब दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके तो प्लांट रिलेटेड स्टडी हम बॉटनी में करते हैं, ठीक है। और जूलॉजी मतलब एनिमल रिलेटेड स्टडी जब करते हैं तो उसको हम जूलॉजी उस साइंस को कहते हैं। दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स उसको हम बोलते हैं बॉटनी। थर्ड ICNB, ओके और कुछ कुछ बुक्स में इसको ICBACN लिखा रहता है। ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर
बैक्टीरिया, इसको पहले बोला जाता था इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। ओके, ये बैक्टीरिया के नेमिंग के लिए ऐसा ही है ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। ये वायरस को नेमिंग प्रोवाइड करता है ICVN। लेकिन एक इंटरेस्टिंग और है ICNCP, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, नॉमेनक्लेचर यहाँ पर पहला फर्स्ट वाला। ये यूनियंस होती है या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके पास में हमको एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, वायरस या फिर जो कल्टीवेटेड प्लांट्स है, मतलब कल्टीवार्स बनाए गए, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि वीट की बहुत सारी वैरायटीज बनाई जाती है, राइस की वैरायटीज, तो कल्टीवार जो बनाए जाते हैं वीट वहां पर वाइल्ड ग्रासेस से या वाइल्ड प्लांट से, तो उनका भी अलग से नॉमेनक्लेचर करने के लिए ICNCP के पास में भेजा जाता है। स्वयं हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, अब ये तो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेमिंग को अप्रूव करेगी, लेकिन नेमिंग करेंगे कैसे, उसके लिए बेसिक रूल्स क्या है? तो एक साइंटिस्ट था कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, इसने नेमिंग के लिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर प्रपोज किया। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग प्रोवाइड करने के लिए इसने बायनोमियल, बाय का मतलब क्या होता है बेटा? बाय मतलब टू, वेरी गुड। तो टू, नॉमियल मतलब नेमिंग, तो यहाँ पर टू वर्ड्स वाला नेम उसने दिया मतलब। ओके, तो ऐसा नेम जिसमें टू वर्ड्स है, जैसे हम बोलते हैं ना होमो सेपियंस ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, ऐसा टू वर्ड्स वाला, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसी को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी रिफर करते हैं। ओके, इसके कंट्रीब्यूशन के कारण, क्योंकि इसने बहुत सारे प्लांट्स को और एनिमल्स को इसने नेमिंग प्रोवाइड किया, मेनली प्लांट्स के ऊपर ज्यादा यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स को नेमिंग वहां पर प्रोवाइड किया है। इसके साथ में इसने कुछ बुक्स भी लिखी और इसने जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर था, इसने कैरोलस लीनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ये बताया कब? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इसने इन 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरी, इसके बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ओके, और किसने जब सिस्टेमा नेचुरी बुक लिखी तो उसको बहुत बार एडिट किया, ठीक है,
बना करके नई नई चीजें और जोड़ता जाता था, तो एडिशन अलग अलग बदलते जाते थे। जब ऐसा 10th वाला एडिशन किया तो उसमें क्या एडिट किया उसने, क्या नई चीज जोड़ी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जोड़ा उसने। ओके ये ध्यान रखना। और 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरी में उसने प्रपोज किया प्रॉपर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब दो वर्ड होना चाहिए ये बताया, तो इसके लिए कुछ रूल्स बताया उसने, उनको फॉलो करना पड़ेगा रूल्स और लॉज पर बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। फर्स्ट उसने कहा कि साइंटिफिक नेम दो वर्ड से मिलकर बना होगा, ओके तो बायोलॉजिकल नेम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से बना होना चाहिए पहली बात। अब दो वर्ड है तो कौन कौन से वर्ड, कोई भी वर्ड ले ले क्या, तो नहीं। फर्स्ट वर्ड जेनेरिक नेम होगा एंड सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वर्ड हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वर्ड हमेशा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हमने जो 7 कैटेगरीज पढ़ी थी ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, तो उसमें से लास्ट की दो जो थी, लेटर टू जो थी, वो क्या थी, जीनस एंड स्पीसीज। उसने कहा कि जो जीनस और स्पीसीज है उनको हम उन दोनों को मिला देंगे तो बायोलॉजिकल नेम बनेगा। ओके तो जैसे हमारी स्पीसीज है सेपियंस और हमारा जीनस है होमो, इसलिए हमारा नाम हो गया होमो सेपियंस, ठीक है। मैंगो का जीनस है मैंगीफेरा और स्पीसीज है इंडिका, इसलिए उसका नाम हो गया मैंगीफेरा इंडिका। ओके तो ऐसे सभी लिविंग बीइंग्स को हम उनका नेमिंग प्रोवाइड करेंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको सभी लिविंग बीइंग या सभी प्लांट्स, सभी एनिमल्स का आपको बायोलॉजिकल नेम याद नहीं रखना, इवन बैक्टीरिया का भी सबका याद नहीं रखना। जो आपके सिलेबस में है वो आपको हर एक टॉपिक में मैं बता दिया करूंगा, उनको ही बस आपको याद रखना है उतने ही। नहीं तो आपको पता है 1.7 मिलियन स्पीसीज अभी तक नोन है और रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 7 मिलियन स्पीसीज है वहां पर, तो 7 मिलियन स्पीसीज अगर डिस्कवर हो भी गई तो 7 मिलियन स्पीसीज जो एस्टिमेट है रॉबर्ट मे का, तो 7 मिलियन मतलब 70 लाख स्पीसीज के नाम आप कब तक याद रखोगे, ठीक है। तो इसलिए इतना बर्डन नहीं लेना है आपको, सिलेबस में जितने हैं जितने मैं बताऊंगा उतने ही आपको याद रखना है। ओके फिर फर्दर रूल्स कि क्या जीनस को कैसा लिखेंगे, तो जीनस फर्स्ट वर्ड है तो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस should be in uppercase, it means capital letter में, okay, and remaining letters in lower case. जो स्मॉल लेटर्स हम बोलते हैं उसको, तो जैसे हम होमो लिख रहे हैं तो होमो लिखते समय हमको एच कैपिटल लिखना पड़ेगा, लेकिन ओ एम ओ ये स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा। तो ये होमो में एच हमने कैपिटल अपर केस में लिखा और बाकी ओ एम ओ
ये स्मॉल लोअर केस में लिखी, तो ये हो गया जीनस के लिए, ठीक है। एंड ऑल लेटर्स ऑफ स्पीसीज स्पीसीज की पीरियड के वहां पर ऑल लेटर्स शुड बी इन लोअर केस, ठीक है। तो सेपियंस जब लिखेंगे, समझ लो हम यहां पर होमोजीनस लिखा और सेपियंस, तो सेपियंस में हमने सभी लेटर स्मॉल लिख दिए, पहला वाला एस भी स्मॉल लिखा, ओके। तो होमोजीनस में हमने केवल एच कैपिटल लिखा, बाकी सब स्मॉल लेटर्स और स्पीसीज के सभी लेटर स्मॉल, मतलब बायोलॉजिकल नेम लिखते समय बस केवल जो जीनस का पहला लेटर लिखेंगे बस वो कैपिटल, बाकी फिर जीनस के भी सब स्मॉल, स्पीसीज के भी सभी स्मॉल, स्पीसीज में कोई कैपिटल नहीं आएगा। फिर इनको किस लैंग्वेज से लेंगे, नेक्स्ट ये था कि कौन सी लैंग्वेज फॉलो करेंगे, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, ठीक है, फ्रेंच, स्पेनिश, कौन सी यूज करेंगे। तो कैरनस लीनियस ने बताया कि इसके लिए लैटिन लैंग्वेज यूज करेंगे। तो साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम्स कहां से यूज करेंगे, ऑलवेज फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज और शुड बी लैटिनाइज्ड। अगर लैटिन लैंग्वेज में नहीं है तो उनको लैटिनाइज करना पड़ेगा। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है वो समझ लो पहले। लैटिन लैंग्वेज, तो लैटिन लैंग्वेज ही क्यों ली, क्या उसकी फेवरेट लैंग्वेज थी? नहीं, लैटिन लैंग्वेज इसलिए ली क्योंकि लैटिन लैंग्वेज उस टाइम पर डेड लैंग्वेज थी और अभी भी डेड ही है, ओके। डेड लैंग्वेज का मतलब और लिविंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ऐसी लैंग्वेजेस हम बोलते रहते हैं। तो जब हम कम्युनिकेशन के लिए किसी लैंग्वेज को यूज करते रहते, कोई भी दो लोग, ठीक है, समझते हैं उसको, बोलते रहते हैं, उसमें अलग अलग वर्ड्स एड होते रहते हैं, उसमें एडिटिंग होती रहती है, इसको हम बोलते हैं कि वो उसकी मतलब ग्रोथ हो रही है उस लैंग्वेज की, जो उसमें नई नई चीजें जुड़ती जाती है। तो ओके, जितने ज्यादा लोग बोलेंगे उतना ज्यादा जो है उसमें और नए नए वर्ड्स वहां पर डालते जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि वो उतनी ज्यादा फ्लरिश होती जाएगी, उतनी ज्यादा और बढ़ती जाएगी वो लैंग्वेज। तो इसको हम बोलते हैं कि वो फिर लिविंग लैंग्वेज है, मतलब ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ऐसी जो लैंग्वेजेस है वो सब लोग यूज करते हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में लगभग, ठीक है। तो जो जो लैंग्वेज जो जो यूज कर रहा है किसी भी अलग स्टेट में, तो लैंग्वेज वहां पर लिविंग कहलाएगी फिर, कोई ना कोई बोल रहा है उसको, समझ रहा है उसको, कुछ ना कुछ नए ऐड कर रहा है उसमें चीजें, तो वो लिविंग लैंग्वेज कहलाएगी। लेकिन ऐसी लैंग्वेज जो पुरानी लैंग्वेज थी और कोई नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है, ठीक है, उसको कम्युनिकेशन में यूज ही नहीं कर रहा है कोई, कोई नहीं बोल रहा है, कोई उसमें पढ़ नहीं रहा है उससे रिलेटेड, कोई वहां पर उसमें बोल नहीं रहा है, दो लोग उसमें बात नहीं कर पा रहे हैं उससे रिलेटेड, कुछ चीजें लिटरेचर नहीं छप रहा है उसका, कुछ ऐसी चीजें, तो उसको हम बोलते हैं डेड लैंग्वेज। तो ऐसी लैटिन लैंग्वेज भी क्या थी वहां से, उस टाइम पर ही कैरनस लीनियस के टाइम पर ही वो डेड हो चुकी थी, मतलब कोई भी वहां पर नहीं थी। इवन लैटिन रीजन जो थे, लैटिन अमेरिका वगैरह, वहां के लोग भी उसको बोलना भूल गए थे, मतलब उसको नहीं बोलते थे, लेकिन उसकी डिक्शनरीज अवेलेबल थी, लेकिन कोई लोग उसको नहीं बोलते थे क्योंकि वहां पर ज्यादा अमेरिकन इंग्लिश जो है उसने ले लिया वहां पर ज्यादा बड़ा पार्ट, ठीक है, तो इसलिए वहां के लोग नहीं बोलते थे, इसलिए लैटिन लैंग्वेज उस टाइम पर क्या थी, डेड लैंग्वेज। मतलब तो डेड लैंग्वेज लेने का फायदा क्या है, तो डेड लैंग्वेज लेने का फायदा कि वो वर्ड कभी बदलेगा नहीं, एक बार वहां पर लिखा हुआ है, कोई यूज ही नहीं कर रहा है तो उसको कोई बदलेगा ही नहीं, ओके। तो इसलिए उसने लैटिन लैंग्वेज को चूज किया। तो जैसे ह्यूमन बींग के लिए वहां पर होमो ऐसा वर्ड है, ठीक है, तो ह्यूमन या ह्यूमन से रिलेटेड, तो इसलिए होमो, ह्यूमन लाइक, होमो वर्ड,
वहां पर, तो होमो ले लिया वहां पर जीनस, ह्यूमन लाइक, ठीक है ऐसा। तो लैटिन लैंग्वेज वहां पर। अब कुछ कुछ ऐसे भी चीजें थी, ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो जिनका लैटिन लैंग्वेज में कोई वर्ड ही नहीं है उनके लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो। ओके मैंगो, तो मैंगो कभी लैटिन कंट्रीज में नहीं ग्रो हो सकता, वहां पर लैटिन वर्ल्ड में ग्रो नहीं हो सकता, कोल्ड कंट्रीज में ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है। मैंगो ये ओनली ट्रॉपिकल रीजन में ही ग्रो होता है, जैसे इंडिया सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो इंडिया में मैंगो अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इसके लिए वहां पर कोई लैटिन वर्ड नहीं था मैंगो के लिए। लेकिन जब मैंगो का प्लांट देखा गया, उसका नाम होना चाहिए कुछ बायोलॉजिकल नेम, तो फिर क्वेश्चन आता है कि कैसे। तो उसने पहले लिखा कि वहां पर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका लैटिन लैंग्वेज में नेम नहीं है उनको लैटिनाइज करना पड़ेगा, मतलब लैटिन में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो लैटिन में कैसे बदलेंगे, तो देखो जैसे जो इंग्लिश नेम होगा उनका, उसको लैटिन लैंग्वेज की जो बोलने की या वर्ड बनाने की जो प्रोसेस है उसमें डालना पड़ेगा। जैसे मैंगो, इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो, इसलिए मैंगो का उन्होंने जीनस बना दिया मैंगीफेरा, ठीक है, तो मैंगो से मैंगीफेरा। इससे आप अलग अलग लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, उसमें कोई म न या फिर कुछ ऐसा वर्ड यूज करके अलग से बना देते हैं, उसमें थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर देते हैं, या फिर उसका मॉडिफाई वाले का मुंह हटा करके हमारी लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं, तो ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है। तो मैंगो, तो ये इंग्लिश नेम है मैंगो, इसको लैटिनाइज कर दिया, तो मैंगो से हो गया मैंगी फेरा, ओके। तो ऐसे लैटिनाइज कर देंगे, तो जो नाम अवेलेबल नहीं होगा वहां पर लैटिन में, उसको लैटिनाइज कर देंगे। फिर इसको लिखेंगे कैसे, तो अगर हैंड रिटन है, हाथ से लिख रहे जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जब हैंड रिटन होगा तो इसके नीचे अंडरलाइन लगाना पड़ेगी, और वो भी सेपरेटली अंडरलाइन, जीनस के पीछे जीनस वाला जो वर्ड है उसकी अलग से और स्पीसीज में अलग से। तो हैंड रिटन इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, मतलब जीनस के नीचे अलग से अंडरलाइन करना है और स्पीसीज के नीचे अलग से अंडरलाइन करना है। तो होमो सेपियंस, होमो जीनस हो गया, उसके नीचे अंडरलाइन लगा दी, सेपियंस के नीचे अलग से। ऐसे जैसे हमने बोला इधर मैंगीफेरा जीनस हो गया, मैंगीफेरा के नीचे अलग से अंडरलाइन कर दिया, उसकी स्पीसीज इंडिका, इंडिया सी है तो इंडिका, इंडिका के नीचे अलग से हमने अंडरलाइन लगा दिया, मैंगीफेरा इंडिका, ओके ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन। अगर टाइप करना हो तो हैंड रिटन, तो ये तो बोर्ड पर है, आपको एग्जाम में जो आएगा या आप बुक्स में पढ़ोगे, आपके स्टडी मटेरियल में पढ़ोगे, तो आपको तो टाइप मिलेगा, तो टाइप में भी ऐसा ही करेंगे क्या, नहीं। तो जब ये टाइप रहेगा, टेक्स्ट में रहेगा, ठीक है, तो टाइप रहेगा तब उसको ये इटालिक्स में होना चाहिए, टाइप्ड इन इटालिक्स। अब इटालिक्स में कैसे क्या टाइप करेंगे, ले तो लैंग्वेज इटालिक्स में टाइप, मतलब ये जो मैंगी फेरा है तो ऐसा आपको सीधा लिख रहा है, तो इटालिक्स मतलब कि क्या हो जाता है, ये जब आप टाइप करोगे इसको नॉर्मल टाइप करना है, तो टाइम्स न्यू रोमन में आप टाइप करेंगे तो सीधा सीधा दिखेगा वर्ड, ठीक है। लेकिन जब जैसे आपने आपकी टूल बार जो है कंप्यूटर की, वहां पर आपने जैसे आई लिखा रहता है, एक देखा है कि आपने ऐसा जो ऊपर टूल बार रहती है एमएस वर्ड वगैरह की, तो उसमें एक जगह पर वहां पर बी मतलब बोल्ड के लिए, आई मतलब वहां पर इटालिक्स के लिए, यू मतलब अंडरलाइन के लिए, कुछ टूल बार में लिखा रहता है। तो जैसे आप आई पर क्लिक करेंगे तो अब आपके जो वर्ड आप टाइप करेंगे वो आई में, आई पर क्लिक करने के बाद जो आप जो भी लेटर्स टाइप करेंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ऐसे तिरछे टाइप होंगे, इटालिक्स में बोलते हैं, मतलब टाइप करना उसको
तिरछे टाइप होंगे। तो जैसे मैगी फेरा यहाँ पर सीधा लिखा है, तो आपको मैगी फेरा अगर आप टाइप करेंगे वहां पर तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा इस टाइप में ऐसा थोड़ा तिरछा मैगी फेरा और इंडिका ये सब थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। ये सीधा दिख रहा है ऐसा भी ऐसा सीधा जैसा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा तिरछा दिखेगा। ओके इसको हम बोलते हैं इटालिक्स में टाइप करना। बट इट समझ आया बेटा? नहीं आया क्या समझ में? आया सर। ओके गुड। तो इस तरह से हम इसको इटालिक्स में टाइप करना यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ रूल्स फॉलो करना है। अब एक रूल और ये भी हो जाता है कि ये कितना लेटर तक हम इसको लेंथ में कितना कितना लंबा बना सकते हैं। तो अबाउट 14 लेटर्स तक आप ले सकते हैं उसको। तो जीनस और स्पीसीज आप मैक्सिमम 14 लेटर्स तक का ले सकते हैं। 14 लेटर से ज्यादा का आप एक वर्ड नहीं बनाओगे। ये तो लेटर कोई काम के रूल नहीं जाता। इसमें से आपको पूछते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन। हो गया कंप्लीट? स्वयं